नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका गोपाल। हमारा किचन पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे खट्टा मीठा पनीर टिक्का। हम अपने किचन पे खट्टा मीठा पनीर टिक्का किस तरीका से बनाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों चलो चलते हैं फटाफट वीडियो के अंदर और आज का वीडियो बनाते हैं खट्टा मीठा पनीर टिक्का। हाँ दोस्तों, खट्टा मीठा पनीर टिक्का के लिए सबसे पहले हम पनीर को कटिंग कर ले। मैंने यहाँ पर लिया है पनीर और इसको हम धीरे धीरे अच्छा से स्क्वायर साइज में कटिंग कर लेंगे। ये देख रहे पनीर को मैंने काट लिया है, आपको सेम ऐसा ही स्क्वायर साइज में कटिंग कर लेना है। स्क्वायर साइज में पनीर टिक्का जैसा टिक्का कटिंग काट लेंगे। तो अब हम धीरे धीरे ये सारे पनीर को अच्छा से टिक्का शेप में काट लेंगे। तो दोस्तों धीरे धीरे हमें पनीर टिक्का के लिए बेल पेपर्स, तीनों वेराइटीज ऑफ कलर बेल पेपर्स आपको स्क्वायर साइज में कटिंग कर लेना है। ये देख रहे आपको सेम ऐसा ही स्क्वायर साइज में बेल पेपर्स कटिंग कर लेना है। तो दोस्तों देख रहे मैंने यहाँ पर तीनों टाइप ऑफ बेल पेपर्स और टोमेटो ऑनियन सारे थिंग्स अच्छा से क्यूब्स करके काट लिया है। तो हमारा वेजिटेबल रेडी और पनीर रेडी। तो चलो अब बनाते हैं इसके लिए मसाला। और दोस्तों अब हम इस पनीर को फास्ट मैरिनेशन कर लेते हैं। तो पनीर को फास्ट मैरिनेशन करने के लिए क्या क्या यूज करेंगे, सबसे पहले हम ऐड कर लेंगे थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, आपको थोड़ा नमक ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर और दोस्तों ऐड करेंगे थोड़ा सा अजवाइन सीड, साथ में ऐड कर लेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। और दोस्तों नेक्स्ट ऐड कर लेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। तो दोस्तों आपको धीरे धीरे इस पनीर को अच्छा से मिक्स करना है। ध्यान देना है आपका पनीर जाते ना टूटे, उसके लिए आपको थोड़ा प्यार से पनीर को मिक्स कर लेना है। मसाला बनाता है तो मसाला के लिए आपको लेना है सेम ऐसे एक बर्तन और इस पे ऐड करना है, ये देख रहे भुना हुआ बेसन। आपको बेसन को अच्छा से बटर या ऑयल पे जिंजर गार्लिक ग्रीन चिल्ली और हॉल खड़ा मसाला डाल के भून लेना है। ये देख रहे भुना हुआ बेसन आपको ऐड कर लेना है, थोड़ा सा फिल्टर दही। तो दोस्तों हैंग कर्ड ऐड करने के बाद नेक्स्ट आपको ऐड करना है थोड़ा सा कैसुनेट पेस्ट, आपको कैसुनेट को अच्छा से भिगो के पेस्ट कर लेना है। ऐड करेंगे थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक पेस्ट, आपको जिंजर गार्लिक को अच्छा से फाइनली पेस्ट कर लेना है। तो दोस्तों नेक्स्ट ऐड करेंगे मसाला, तो हम ऐड कर लेंगे नमक, आपको स्वादिष्ट अनुसार नमक ऐड कर लेना है, यह व्हाइट नमक। और साथ में ऐड कर लेंगे थोड़ा सा काला नमक, यह है ब्लैक साल्ट, रेड चिल्ली पाउडर, लेंगे 1 स्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 स्पून गरम मसाला पाउडर, साथ में ऐड कर लेंगे 1 स्पून चाट मसाला और ऐड करेंगे 1 स्पून ड्राई मैंगो पाउडर। और दोस्तों अब हम इसमें ऐड करते हैं, ये देख रहे मैंने लिया है स्वीट चटनी या टैमरिंड चटनी या इमली चटनी बोलते हैं हम लोग। तो धीरे धीरे अब हम ऐड कर लेंगे इसमें थोड़ा सा इमली चटनी। और दोस्तों नेक्स्ट इमली चटनी के बाद ऐड करेंगे थोड़ा सा टोमेटो केचप, आपको थोड़ा सा नेक्स्ट ऐड कर लेना है टोमेटो केचप। तो दोस्तों नेक्स्ट ऐड करेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, तो नेक्स्ट ऐड करेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स चॉप। और अब हम इसे धीरे धीरे अच्छा से मिक्स कर लेंगे। देख रहे हैं मैंने कैसा मिक्स कर रहा हूं,
आपको सेम ऐसा ही मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों देख रहे हैं मैंने खट्टा मीठा कैसा मसाला बना लिया है। अब हम धीरे धीरे इस मसाला में ऐड कर लेते हैं ये पनीर। आपको ये पनीर ऐड कर लेना है और साथ में ऐड कर लेना है ये ऑनियन कैप्सिकम टोमेटोस। और अब हम इसे अच्छा से धीरे धीरे प्यार से मिक्स कर लेंगे। आपको मिक्स ऐसा करना है जाते आपका पनीर ना टूटे, उसके लिए देख रहे मैंने कैसा धीरे धीरे प्यार से दोनों हाथ में अच्छा से मिक्स कर ले रहा हूँ। आपको भी सेम ऐसा ही पनीर को मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों देख रहे हैं हमारा खट्टा मीठा पनीर टिक्का का मसाला लगा लिया मैंने। अब हम इसको आधा घंटा के लिए फ्रीजर पे रख लेते हैं। और दोस्तों देख रहे हैं आधा घंटा बीत चुका है। चलो अब हम लगा लेते हैं 1% खट्टा मीठा पनीर टिक्का। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लेना है एक पतला सा तंदूरी सरिया, और इस सरिया में आपको सबसे पहले लगा लेना है सासलिक वेजिटेबल्स ऑनियन कैप्सिकम टोमेटो। धीरे धीरे आपको लगा लेना है और उसके बाद आपको लगाना है पनीर। तो हम क्या करेंगे धीरे धीरे वेजिटेबल्स पनीर वन बाय वन करके एक सीख में अच्छा से खट्टा मीठा पनीर टिक्का लगा लेंगे। तो दोस्तों देख रहे मैंने कैसा धीरे धीरे सीक में अच्छा से पनीर टिक्का लगा लिया है। आपको सेम ऐसा ही डिटो सीक में पनीर टिक्का लगा लेना है। तो चलो हमारा पनीर टिक्का रेडी। अब हम इसे तंदूर में अच्छा से ऑयल डन ग्रिल कर लेते हैं। और अब हम इसे धीरे धीरे तंदूर में पनीर टिक्का ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा तंदूर का टेम्परेचर थोड़ा ही ज्यादा होगा, आपको पनीर कुक करने के लिए उतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना है यह है तंदूर का लीड डाल के इससे अच्छा से हाफ डाउन कर लेना है। तो दोस्तों देख रहे हैं हमारा पनीर हाफ डाउन हो चुका है। अब आपको क्या करना है हल्का सा बटर ब्रश कर लेना है, हल्का सा बटर ऐड कर लेना है इस पे। और इसे फिर आपको क्या करना है तंदूर में ऐड करके ओल्डन ग्रिल कर लेना है। तो पनीर ओल्डन ग्रिल हो रहा है, उसका बीच में प्लेट का प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। कितना नाइसली कलर का साथ मैंने ओल्डन ग्रिल कर लिया है खट्टा मीठा पनीर टिक्का। अच्छा सा प्लेटिंग सेट कर लिया है। तो ये पनीर को क्या करना है आपको सेम ऐसा ही बीच पे रख लीजिए। आपको सॉस है नीचे, ये देख रहे सॉस है, ये है थोड़ा चटपटा सॉस है मैंने अपना बनाया। तो इसके ऊपर आपको पनीर ऐसा रख लेना है और ये स्टिक को घुमा लीजिए और इसे ऐसा ही निकाल लीजिए। तो धीरे धीरे अब हम इस प्लेट को अच्छा से गार्निश कर लेंगे। तो दोस्तों अब हम इसका साथ अच्छा से मीन चटनी का साथ सर्व कर लेंगे। कैसा है हमारा इस कबाब का रेसिपी।